पानी बनाने के अंदर जब दूध मत होता बाल्टी ले आपको दो चीज का नाम लेना है महाराज आपके पिताजी ने खत्म है आपके पिताजी के नाम और बहुत का नाम अपने शरीर पहले पानी पीजिए अभी फिर दिन का ओ बाप पितरो आसान संग तो पुनरी का अच्छा सा भाई पुनरी का अच्छा बना दो चावल पुन दे दो ओ मत बोलिए गोद के नाम लो पिताश्री का नाम लो प्रेतस अत अस्ति संचय निवारण प्रथम पिंड दानते में आदि अंते तौ कहता अब पूछा सुना दो भाग इस धन की नकार को कुसेन देखो वेदी बाणी समर प्यामी रद्दबुर को अभी अंतर उनको गए तो उनको नाम जो काटे उनको वेदी बना चुपे हाँ इधर पिंडल वेदी निर्माण दी समर प्यामी पटवट चुप कर दो लकड़ी डाल दो सीने चावल डाल दो ला सकते पानी निकाल पानी डाल दो अब ना अब पूरा परिवार अब चैन कर सकते है ना बहुत मजब का हो हाथ लगा लो और जो भी लेना कौन सोच ना देख हिसाब निकाल लो फिर वो पहले ना पूरा मजबूत Thank you.
सारा नेक धर्म होते जेन एमा करी से ओकर बाद शुद्धिकरण करेगी से वहाँ नमक और ये सब अनाज मतलब धान चावल में डालेगी से हो गए कार्यक्रम वैसे निपट गए। अब जो राख रही से भर ले हैं और वो भर के कहीं नदी में ठंडा कर जाओ और जो अस्थि है ला लेके प्रयागराज जाना है और गंगा जी में विसर्जित करना है। और नवा एक्सपीरियंस से पहली बार काकरो अस्थि संकलन करत में देखे हाँ तो थोड़ा से अटपटा लगी से भले मोर दादाजी के रही से और आज तक मैंने देखे रहे हैं वैसे जिन्नेंग धर्म जो होते आज देखे हों शामिल हुए हों मैं आज पहली बार अस्थि। डाल दो कप में मिट्टी ना डाल देना पानी पानी दिल्ली डबल है तो पानी छिड़क दो ऊपर में एक ठम दीपक एक ठम में पानी रही थे दीपक जल ही पानी डलाई तो संगवारी हो हमन आ गए हैं अभी सोमनाथ जिन में खारून नदी है वो काकर संगम है शिवनाथ और खारून के संगम में सोमनाथ के बहुत नाम सुने रहे हो तो आज सौभाग्य से मोला सोमनाथ आए ला मिलिस चाचा जी आए भैया आए और हमन आए हैं दादाजी ला विसर्जित करे बर संगम में कौन गाँव रही छत्ते हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे आ जाओ हाँ हर हर गंगे बजा रहा है हम सब्जी वब्जी लेबर में और चाचा लेबर गए हैं और मैं अभी मेरे खड़े हाँ और आज के दिन चौथा दिन रही से जमा आज अस्थि संकलन करते और संकलन करे के बाद जौन राख होते और जिन एक्स्ट्रा अस्थि मन जिन होते एक मटकी में भरे के बाद जौन तेल ला जाके ठंडा करना होते तो हम संगम में जाके ठंडा करें खारून नदी और शिवनाथ नदी के संगम है सोमनाथ जैसे छत्तीसगढ़ में सिमगा के पास में आप मन जाना था तो वहाँ वो नदी में जाके हम हाँ पहली बार गए मैं और वो सौभाग्य मोला मिली जाके मैं ठंडा करे हूँ और साथ ही साथ जो अस्थि अभी रखे गए है जिला हड़हा पीपर की थे हमन गांव देहात में तो हड़हा पीपर मेरे दाब के जिला रखे हैं तिल्ला हमन जब जाबो दसगात रखे एक दिन पहली तो वो दिन वाले निकाल के जाबो और उकर बाद फिर प्रयागराज में विसर्जन करबो तो मोरे पारी लगा थे इलाहाबाद जाए कि इलाहाबाद प्रयागराज में
एक बार भी नहीं गया हूँ अभी तक, मतलब ये जिन काम होते वहाँ तो दादाजी के दादाजी ला लेके जाए के सौभाग्य मोला मिल ही, गंगा स्नान करे के मौका मोला मिल ही तो मैं जाऊँ। तो आज के ब्लॉग लही मेरे ख़त्म करता हूँ, माया दया बने रहे और बहुत लंबा होगी सो ही आज के ब्लॉग, एक बार क्षमा चाहता हूँ। मैं सोचा कि ऐसे टाइप से जो वीडियो होते हैं जिन दिनचर्या चला थे मोर जिंदगी में और ये ला मैं आप माला दिखाए के कोशिश करे हूँ, जैसे जैसे होते जिन जिन प्रक्रिया होते ओला मैं बताए के कोशिश करे हूँ। तो माया दया बने रहे, अभी बार राम राम। कमेंट कर दे कराओ, सब्सक्राइब कर दे कराओ तो मोला अच्छा लगते कमेंट ला आप मन के पढ़ के। फिर मिलबो काली नवा वीडियो में, पल पल जियो हर पल जियो।